माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करता हूँ। सम्मानित मंच का वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सभी की पावन एवं गौरवमय उपस्थिति को हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करता हूँ। और अभी अभी जो मेरे स्वागत में आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। भैया थोड़ा सॉफ्ट कर दो, बेस बढ़ा दो और इको बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। जी जी। सर अंकल आप बेबी नहीं हो। आपने देखा होगा कि शुरू से हमारे जो विकल जी हैं ये भी मेहनत कर रहे हैं और मेरे से आने पहले आने वाले कवियों ने भी खूब मेहनत करी। जी जी। कि किसी तरह से आपकी तालियां मंच तक पहुंचे। हर कवि सम्मेलन में यही होता है कि कवि कविताएं बाद में सुनाता है, पहले तालियों की फरमाइश कर देता है। जी। तो ऐसी क्या कवियों को इन तालियों की जरूरत होती है? एक इशारे में मैं बात आपको समझाता हूं और बात समझ में आ जाए तो फिर इस कवि सम्मेलन को आरंभ करने की मुझे अनुमति देना। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली। कोई कवि ना जाए खाली, वाह ना पीटे अपनी ताली, उसको पीटे की घरवाली। तो लगना चाहिए कि कवि सम्मेलन हुआ है। और मैं देख रहा था कि जैसे ही साली का जिक्र आया कईयों की चेहरे पे रौनक आ गई और कितनी घरवाली का नाम आते ही गला सूख जाता है और साली का नाम आते ही लार टपकने लगती है। परंतु जो मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप साली की तो इच्छा ही मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज के टाइम में जो लिंग अनुपात इतना गड़बड़ा गया, घरवाली मिलनी मुश्किल हो रही है। तब मैंने कभी कहा था कि फैशन के इस युग में यारो कब गारंटी होती है, कि फैशन के इस युग में यारो कब गारंटी होती है, जिसकी बाहों में ताकत है दुनिया उसकी होती है, और जब घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हो, साली सलहज उनको मिलती जिनकी किस्मत होती है। आए हाय हाय, बहुत साली सलहज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह कौशिका, जिंदाबाद। साली सलहज उनको मिलती, किस्मत जिनकी होती है। और दोस्तों मैं अपने आप को तो पहली बात मैं बता दूं, कवि मानता ही नहीं हूं, क्योंकि कवि ये लोग हैं, इनकी भूमिका में मैं यहां पर मुझे आकर के खड़ा होना पड़ता है। और मैं अपने आप को कवि क्यों नहीं मानता और इन सबको कवि क्यों मानता हूं, 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा संदेश, गजब, वाह गजब संदेश। चौथी पंक्ति में आने वाला है, आप जल्दी बोल पड़े। चौथी में भी जो रहे, ये आपकी तारीफ में कह रहा हूं। स्वागत। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालीदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं। अब राधिका ने तो भाव दिया नहीं, इसलिए मेरे ही चिपट रहे थे। परंतु भाई या साहब सुनिए, मीटू का जमाना है। हाँ नहीं नहीं मीटू नहीं, मैं बताता हूँ क्या जमाना है। कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, आए है
कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। कि अदाएं नाज नखरों से छुरी दिल पर चलाती हैं, रईसों के दिए फूलों को ही दिल से लगाती हैं। और अगर लड़का हुआ कड़का, झटक कर फूल हाथों से, बिना पलकी किए देरी उसे भैया बुलाती है। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने में भी व्यस्त है। एक तो अपने हाथ को कष्ट दे रहे हो, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हो। आपकी सूचना के लिए बता दूं, हमारा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से दो दो कैमरे लगे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। बाद में हमारा मंच यूट्यूब चैनल पर आप पूरा कार्यक्रम देख सकते हो। और अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो मेरी, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। परंतु एक बात, मैं देखो बहुत सकारात्मक व्यक्ति हूं, अगर भैया भी बुला दिया तब भी घबराने वाली बात नहीं है। कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की। अब सोचोगे चमेली कहां से आ गई। दरअसल चमेली जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड है उसका नाम था। आप गर्लफ्रेंड थी एक तरफ से था। कि अदाएं लाखों कातिल किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चमेली की। और अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। और भाई गोविंद गजब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा गजब डाया प्रेम के, और आनंद पाठक ने भी आपके मन की बात करी। परंतु एक बात और बता दूं, ये यहाँ पर इतना खुलकर क्यों बोले, क्योंकि ये दोनों उत्तर प्रदेश से आए हैं, और उत्तर प्रदेश में आपको पता है योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड बना रखी है, तो वहां पर तो ये कुछ बोल नहीं पाते। तो अपनी दबी कुचली भावनाओं का इधर उधर जाकर के दूसरे राज्यों में प्रदर्शन करते हैं। ये सही कहा भाई, बहुत आता गया, बहुत देर समझ आया तो हंसते जाओ। भाई गोविंद गजब और आनंद को मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए जी, लड़कियों पे दाम क्या क्या आजमाने लग गए। हाँ, कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दाम क्या क्या आजमाने लग गए। और हक जताते मजनुओं सा अपनी जिस लैला पे हो, दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। ओहो, जो बात आ गया भाई, जो बात आ गया, क्या बात, वाह साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। तो गोविंद को जब मैंने पंक्तियां सुनाई, बोले भाई साहब गलत बात है, आप एक तरफा बात करते हो, जबकि कवि या साहित्यकार का दायित्व होता है कि वो दोनों पक्ष की बात रखे। तब मैंने इसका मन रखने के लिए चार पंक्तियां और सच्चाई की कही, और अगर आपको लगे बात सच्ची और आपके दिल की है तो आखिरी पंक्ति पर इस पूरे पंडाल में आप तालियों का महोत्सव बना देना कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में। कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और अगली पंक्ति अगर आपकी दुखती नस पे रखती हो तो फिर मुझे सूचित करिएगा कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में, रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ से, और रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और ये हमारे विकल जी बड़े व्याकुल हो रहे थे जब राधिका यहाँ पर पढ़ रही थी, उछल उछल कर ये बीच में नो बॉल फेंकने की, ये हमें लग रहा है कहीं तार जलने की बदबू आ रही है। ऐसा था मैं आपका बहुत मैं ये बीच में उठ के नो बॉल फेंकने की कोशिश कर रहे थे वो, तब मैं इनको चार पंक्तियों से हमारे विकल जी को वैसे निपटा तो उन्होंने दिया ही था, अब मरे हुए को क्या मारना। बहुत अच्छा। कि मिसाले इश्क के किस्से अदा से जो सुनाते हैं,
कि मिसाले इश्क के किस्से अदासे जो सुनाते हैं, हकीकत प्यार की उनकी लो हम तुमको बताते हैं। और वो जिसके इश्क में बनकर फिरा करते थे बस मजनू, उसी खातून के बच्चे ने मामू बुलाते हैं। उसी खातून के बच्चे इन्हें मामू बुलाते हैं। और बात उठी थी शुरू में भूतपूर्व नौजवानों का, किसी ने जिक्र किया था, परंतु मैं एक बात बता दूं, मैं हरियाणा से आया हूं और हरियाणा में भाई साहब आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात वहां तो जितनी जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना और रंगीन हो जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही है, मैं वही आ रहा हूँ, उत्तराखंड में भी वैसे ही है। जैसे ही राधिका माइक पर आई, कई पीछे से भूतपूर्व नौजवान उठ करके आगे आ गए। बाबूजी ने तो उठा करके चश्मा चार बार साफ किया अपना। अब मैं कौन से बाबूजी की बात कर रहा हूँ मैं बताऊंगा नहीं भरी महफिल में। चार पंक्तियां बाबूजी को देता हूँ कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। अरे वाह वाह वाह, समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है।